सवाल ये पैदा होता है कि आपको आपस में जरा थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ये एडिशन है, आपस में नहीं एडिशन है। सवाल ये पैदा होता है कि इन जजेस ने ऐसा क्यों किया, बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर इंडिपेंडेंट। हम सब हाईकोर्ट से आए, हम सब हाईकोर्ट से आए। अगर हम सच की बात करते हैं, सच तो ये है कि जब हम हाईकोर्ट में होते थे तो ऊपर हम समझते थे सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, हम मोहतात होते थे, डरते थे, साफ बात है। सच का अगर कहना है तो सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इनडायरेक्ट असर होता है, जिसकी वजह से डर खौफ होता है। स्पेशली जब शौकत सिद्दीकी का केस आया तो सारे जजेस को ख़त्म कर दिया। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि वापस वो बहाल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने, ये खौफ भी ख़त्म करना है हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस ने ये बताना है कि आप आज़ाद हो, हमारी तरफ से कोई बात आप ही जैसे अपना माने। और असल बात बता, और अटर्नी जनरल ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट से इनडायरेक्ट मैसेजेस आते हैं। लेकिन लेकिन जजेस को अपने ओथ के तहत फियरलेस होना चाहिए। And this also has happened in the past. That will also put in the system that they should be fearless. They should take action, of course, on their own. Let's proceed further. अब कौन सा पढ़ना चाहते हैं? सर, मैं अब उनकी दो suggestions थी code of conduct के हवाले से। Page 5 पे towards the end. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 इंसर्ट हो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में, आई रीड दैट आउट एंड देन आई मूव टू सिंध हाई कोर्ट एंड बलूचिस्तान आखिर में। देखिए, मैं यू मे कॉल मी एनीथिंग, आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट इन द सेंस आई डोंट लाइक टू जी आई टेल यू वॉट माई कंसर्न इज द मिनट यू टॉक अबाउट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग। वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 5 मेंबरान है। अगर किसी को कोई अच्छा मशवरा देना है उनको एक चिट्ठी लिख दे, मैं एक मेंबर हूँ, दूसरे मेंबर मेरे साथ बैठे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और 2 सीनियर चीफ जस्टिसेस हैं। हमें अभी उसमें हमने अमेंडमेंट की है तो सुप्रीम कोर्ट के ताबे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं है, वो आईनी इदारा सेपरेट है। तो बहुत अच्छा मशवरा है, अगर हम इधर ले आएंगे वो कहीं ये ना समझ जाए इंप्रेशन कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, क्योंकि सुनिए सुनिए ना, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मेरे खिलाफ भी चल सकता है, शाह साहब के खिलाफ भी जा सकता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है। हम तो ये बातें तजवीज अगर उनको देना है वो जाएगी स्ट्रेट अवे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कि आप अपने रूल्स बदल दें। वैसे ये जो बात आपने की ऑन अ लाइटर नोट, ये ना कहे पीपल स्टार्ट गेटिंग आइडियाज। हां, ये रिकमेंडेशन पार्लियामेंट कह सकते हैं कि लॉ बनाओ, तो अब जनरल साहब अगर हम उनके ऑर्डर्स को ओपिनियंस को सेट असाइड कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, तो हम उनको कर सकते हैं, वो 189 के प्रिंसिपल देख सकते हैं, वो सेपरेटली बात हो सकती है उस पे। बट मैं ये पढ़ लूं, देखिए, सेटिंग असाइड इज अ सेपरेट पावर। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, आई कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ enacted by parliament, I cannot make a law. There's a big difference. If you say, if we can set, strike down a law so we can make a law, I would say no, they can make any law they want to. I can strike it down being unconstitutional. That's a judicial power I'd be exercising. I don't want to. Dekhe, पाकिस्तान की तारीख में हम उंगलियां उठाने बहुत, क्योंकि हमने आज तक एक दूसरे की कदर नहीं की है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज़ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैं दोनों का हेड हूँ, सुप्रीम कोर्ट तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका भी हेड है, मगर ये सब बॉडीज़ अलग 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 बॉडीज़ हैं। पार्लियामेंट इज़ अ सेपरेट, प्रोविंशियल असेंबली इज़ अ सेपरेट, हाई कोर्ट इज़ सेपरेट। लेट्स रिस्पेक्ट द ब्यूटी दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड gave it to the nation, which was no negative votes to it, but unanimously there were some abstentions. So let's retain that. Let's not try to be more clever than the constitution makers of the country. Yes, if parliament makes an unconstitutional law violating the fundamental rights, this court will strike it down. But can we legislate? No. मैं इस पे जरा थोड़ा सा pause ले लेते हैं. Coming to this, एक ये करते हैं कि पहले ये सारी पढ़ लेते हैं. दो high courts का रह गया. ये पढ़ लूँ और फिर उसके बाद we'll address this.
ये पढ़ लेता हूँ ना, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की उन्होंने बात कही है वो आपका नहीं होगा, आप कह देंगे अगर वो करना चाहे करें या ना करना चाहिए, ये बस इतनी हो गई। चले If a judge of the High Court receives any threat, intimidation, temptation or interference from executive or any member of the executive organ of the state or non-state actor, he shall immediately inform the Chief Justice of the High Court through a written complaint in such manner as prescribed. इसमें ये क्यों नहीं लिखा from the Chief Justice of Pakistan? जी सर, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम इसीलिए हम लिख देते हैं ना, वो आप कर देंगे ना सर, हम लिख देते हैं, रहने दीजिए इसको, सिचुएशन आई है मैं पढ़े तो सही, नहीं हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे सर, आप दो इस बेंच में बैठ के नहीं कहीं और बैठ के लिख लेंगे, नहीं हम यस हम दो, अभी हमने उसमें अमेंडमेंट लाए हैं ना कि अगर कोई जज के मुताबिक कोई बात हो वो वजाहत कर सकता है मीडिया में, हमने अमेंड कर दिया, कोई और हमें भेज दे, मैं तो कहता हूँ छोड़िए हाई कोर्ट, कोई वकील भी हमें सजेशन भेज दे टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ये बेहतर, बट हाई कोर्ट से आई है तो उसको उसको पुट अप कर लेंगे मीटिंग में, उसमें देख लेंगे उसका कर लेते हैं, लेनर्ड अटॉर्नी जनरल अदलिया को इंतहाई एहतराम पार्लियामेंट का है और सेटल लॉ भी ये है, पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शन नहीं दी जा सकती है लेकिन इम्पोर्टेंट मैटर्स में एग्जीक्यूटिव को जरूर एडवाइस दी जा सकती है कि लेजिस्लेशन फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए कैसे की जाए, तो अगर रजिस्ट्रार ऑफ एसजेसी को भी विल, लेकिन दैट्स अ सेपरेट इशू, आई एब्सोल्युटली एग्री कि इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी और उसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस, अभी तो इस स्टेज पे अभी ये पढ़ते हैं, इसमें जो चीज जितनी शिफ्टिंग होनी है कहाँ है वो आप उधर कर देंगे कि वो उधर का अपना इधर का नहीं है मामला, हम वो काम करेंगे जो हमारे इख्तियार है, आगे बढ़े बिल्कुल उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका काम, आपकी प्राइमरी ड्यूटी है टू इंश्योर दैट वी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली, यस सर, दैट्स योर प्राइमरी ड्यूटी एंड यू विल स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग दिस, मैं अभी तो जो ड्यूटी अटॉर्नी जनरल, इट इज योर एंड द एग्जीक्यूटिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन and control all your organs in accordance with constitution, that is the question that is before us. That's right. To, if a judge of the High Court is the Chief Justice or member of administration committee, on receipt of such complaint, he shall proactively take up the matter in terms of the rules and regulation procedures of the High Court, providing mechanism to deal with such complaints. So, ye aage uske mein matlab ye nahi hai, agar wo na kare to kya hoga, wo dekhna padega. Wo aap dekhenge uske andar. Now, I read out Sindh aur Balochistan aakhir mein se. Wo uske aakhri se. बलोचिस्तान को आखिरी में रखे क्योंकि वो बात है उसमें सिंध पढ़ लो जी सर जी पेज 5 से सर पढ़ूं इनकी रिकमेंडेशंस जो वो मतलब एक्चुअल पॉइंट्स जो हैं जी Judges of the Superior Courts or Judges of District Judiciary, including Special Courts. Through social media platforms directly or indirectly approaching the honorable judges to exert undue pressure or influence in the